हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट हैगा कम्युनिकेशन सर्विस। हमने लास्ट पॉइंट में इंश्योरेंस पॉइंट करा था, ठीक है ना, सेकंड नंबर का पॉइंट था। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट हैगा वो हैगा कम्युनिकेशन सर्विस। दिया है संप्रेषण, संवाद वाहन, संदेश वाहन, संचार एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, मतलब सभी एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण, संवाद वाहन, संदेश वाहन, संचार सभी बोला जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संप्रेषण से अभिप्राय सूचनाओं का आदान प्रदान से लगाया जाता है, मतलब डाटा को ट्रांसफर करने से। सूचनाओं, नीतियों, निर्णयों की जानकारी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाना संप्रेषण कहलाता है, ठीक है ना। आप डाटा पहुँचाओ, अपने नीतियाँ पहुँचा दो, निर्णय पहुँचा दो, आपके डिसीजन है, जो भी एक दूसरे को पहुँचाना, वो सब क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनेक मनुष्य तकनीकी सेवाओं की आवश्यकता होती है। कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। प्रौद्योगिकी ने टेलीफोन, दूरदर्शन और रेडियो जैसे साधनों के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से संचालित सुविधाओं के बल पर वस्तुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार कर दिया है। उपग्रहों, सैटेलाइटों के सहयोग से आज पल भर में एक व्यक्ति अपने विचारों, संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा। आजकल नॉर्मली बात है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है, सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे से नॉर्मली कम्युनिकेट रहते हैंगे हमेशा, ठीक है, नॉर्मली बात है। मोबाइल हो गया, टेलीफोन है हमारा, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं इंटरनेट हो गया, टीवी हो गई, न्यूज़ हो गई, ये सारी चीज़ें किससे कम्युनिकेट, इनसे हम एक दूसरे से जानकारी तो प्राप्त कर रहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज, अगर एक दूसरे को जानकारी देना, जानकारी प्राप्त करना, यही चीज़ें क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है कि संप्रेषण कहलाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी है। संचार सेवाओं को प्रदान करने में डाक विभाग, टेलीफोन और टेलीकॉम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आएगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन, ये टेलीकॉम कंपनियां जो रहती हैं इनकी। व्यापार को स्थानीय स्वरूप से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की दिशा में बैंक, बीमा और यातायात की सेवाओं के साथ साथ भंडार ग्रहण और संप्रेषण सेवाओं की महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध होंगे, ठीक है। बिजनेस को आगे बढ़ाने में नॉर्मल सी बात है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्ट, इनके अलावा भी भंडार गृह, स्टोरिंग और कम्युनिकेशन, ये फैसिलिटी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो फैसिलिटी आती है, पोस्टल सर्विस आती हैगी, डाक सेवा आती है। आधुनिक व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में संदेश वाहन के साधनों का बड़ा महत्व है। संदेश वाहन के साधनों को संगठित कर उसके माध्यम से डाक विभाग मानव मात्र की अनेक सेवाएँ करता है। व्यापारी वर्ग डाक घर की सेवाओं से विशेष रूप से लाभान्वित होता है। डाक घर पोस्ट ऑफिस द्वारा एक व्यापारी विभिन्न पत्र, पार्सल, राशि एवं अन्य सामान दूसरे व्यापारी को भेज सकता है। इसकी सहायता से विभिन्न समाचार एवं विचारों का आदान प्रदान किया होता है। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग प्राप्त होती है। जनता में बचत एवं विनियोग की भावना जागृत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को राशि एवं संपूर्ण प्रलेख और वस्तुओं के सुरक्षित रूप से हस्तांतरित किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में डाक घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस जो रहता है उसका काम सभी को पता है, नॉर्मली बात है, लेटर पहुंचाने काम नहीं करता है कि हमने हमारे परिवार वालों को लेटर पहुंचाया, नहीं, ये बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिजनेस के डॉक्यूमेंट, बैंक वगैरह के जो डॉक्यूमेंट आपके घर आते हैंगे, वो सब पोस्ट के द्वारा ही आते हैंगे, ठीक है ना। आप किसी को कोई लेटर पहुंचाते हो, कोई पोस्ट करते होगे, तो डॉक्यूमेंट पहुंचाने के लिए तो आपको डाक फैसिलिटी ही चाहिए ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑनलाइन स्कैन करके पहुंचा दी, वो फैसिलिटी अलग हो गई, वो भी एक तरीका है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप पैसे पहुंचा सकते होगे किसी को, ठीक है ना, मनी ट्रांसफ़र कर सकते होगे। पहले के टाइम पर डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी नहीं थी, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही सारे काम किए जाते। बट आजकल धीरे धीरे डिजिटल फैसिलिटी आ गई, तो इसी चक्कर में क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस का काम हमारा कम हो गया। अब सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की सर्विस कौन कौन सी रहती है। पहला, देसी और विदेशी डाक व्यवस्था करना। डाक खाने की मुख्य सेवा देसी और विदेशी डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। इसे व्यापार के विकास और विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, ठीक है ना। आप इस जगह के पोस्ट, सॉरी, इस जगह के पोस्ट आप दूसरी जगह पर करना, दूसरी जगह के डाक यहाँ लेकर आना, ठीक है, यहाँ की चिट्ठी वहाँ की चिट्ठी यहाँ, यही काम इनका रहता है। धन का हस्तांतरण करना, मनी का भी ट्रांसफ़र यही करते हैंगे, ठीक है ना, पैसा इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह, इसके अकाउंट से उसके अकाउंट और उसके अकाउंट से इसके अकाउंट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनियोग संबंधी सुविधा। पर पोस्ट ऑफिस में आपको इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है, जहाँ पर आप अगर अपना पैसा जमा करते हो तो आपको एक निश्चित टाइम बाद या फिर एक फिक्स पॉलिसी के बाद में पैसा रिटर्न कर दिया जाता है आपके इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ में, कि आपने अगर 5 लाख रुपये जमा करेंगे, ठीक है, तो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका पैसा मिल जाएगा,
आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बैंकिंग की जो फैसिलिटी रहती है वो भी पोस्ट ऑफिस में दी जाती है। नेक्स्ट आता है विज्ञापन की सुविधा। वर्तमान में डाकघर द्वारा डाक के घर के भवन के बाहर एवं अंदर सुपुर्दगी वाहन एवं जन उपयोगी डाक सामग्री पर उत्पादकों एवं व्यापारियों की विज्ञापनों की सुविधा के नाम मात्र के शुल्क पर प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है यहाँ पर पोस्ट के जो तरीके होते हैं उन पर, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस पर यहाँ पर अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने की फैसिलिटी कम से कम प्राइस में दी जाती है। गाइड का प्रकाशन। साधारणतः जनता की सुविधा के लिए डाक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक गाइड प्रकाशित की जाती है जिसमें डाक संबंधी नवीनतम नियम और संशोधित डाकघरों की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। हर साल जो पॉलिसी चेंज होती है, जो नियम और कानून आते हैं उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, गाइड प्रकाशन करते हैं। अन्य सेवाएँ प्रदान करना। उक्त सेवाओं के अतिरिक्त डाकघर जनता एवं व्यापारी को अन्य सेवा और सुविधाएँ देते हैं, जैसे पोस्ट मास्टर के द्वारा पत्र प्राप्त करना, पत्रों का खिड़की पर वितरण करना, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बैग सेवाएं प्रदान करना, ये फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। अब अदर सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की सर्विस कौन कौन सी। पहली होती है स्पीड पोस्ट सर्विस। पत्रों एवं वस्तुओं को दुर्वगति से भेजने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा का लाभ दिया जाता है। गंतव्य पर इस सेवा का सेंटर होने पर 72 घंटे में डाक पहुँचने की गारंटी डाक विभाग द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। समय पर डाक नहीं पहुंचने पर स्पीड पोस्ट व्यय का दुगना मुआवजा दिया जाता है। कितना, डबल पैसा दिया जाता है। स्पीड पोस्ट मत के गुम होने पर विभाग द्वारा 200 रुपये की अनुग्रह राशि क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है। स्पीड पोस्ट सेवा एवं विदेशी दोनों के लिए अलग उपलब्ध है। देसी स्पीड पोस्ट सेवा को आंतरिक स्पीड पोस्ट कहा जाता है। अब मैं जाती है, स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि आप कोई सी भी चीज़ हो, कोई पोस्ट कर रहा हो, कोई डाक है आपके पास, उसको आप स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचाते तो आपको वो पोस्ट चीज़ या फिर पोस्ट आपको 72 घंटे में आपके पास में पहुंचाने की गारंटी लेता है पोस्ट ऑफिस को, ठीक है ना। बट अगर वो नहीं पहुंचा पाता उस 72 घंटे में तो वो आपको डबल राशि देगा। मतलब आपका टाइम था, सॉरी, आपने 500 रुपये पेड करे थे तो वो आपको 1000 रुपये देगा। ये उनकी पॉलिसी, अगर हम 72 घंटे में नहीं पहुंचा सकते तो हम आपको पैसा डबल देंगे, ठीक है। और अगर वो पोस्ट कहीं घूम जाती तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से दिया जाता है, प्लस आपका जो भी आपने खर्चा दिया था वो भी मिलेगा आपको रिटर्न। नेक्स्ट आता सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। डाक में डालने का प्रमाण पत्र। डाक घर में पत्र डालने पर यदि उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना तो इसके लिए एक फर्म डाकघर में उपलब्ध होता है। एक फर्म 3 व्यक्तियों के नाम पर पते लिखे जा सकते हैं। इस पर निर्धारित राशि के टिकट लगा पत्रों के साथ डाकघर के कर्मचारी को दे दिए जाए जो फॉर्म पर मोहर लगाकर लौटा देता है। ऐसे ही डाक डालने का प्रमाण पत्र कहते हैं। क्या रहता है, जब भी आप कोई पोस्ट कर रहे हो, अब आपने तो दे कर चले आए, बाद में आप गए कि भैया हम पोस्ट करके गए थे, वो हमें मिली नहीं है कि या फिर डाली थी, आपके पास क्या प्रूफ होगा। तो यहाँ पर आप उसके लिए भी एक प्रूफ ले सकते हो कि भैया मैं आज ये वाली पोस्ट यहाँ पर करके जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये डाक में यहाँ पर दे के जा रहा हूँ, तो आप मुझे इसकी स्लिप दे दो ताकि मुझे भी ध्यान रहेगा और मैं कभी भी अगर आऊँगा तो डाक जो डाक है कि हमारी पोस्ट है कि अगर वो गुम जाती है कि तो यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है रिडायरेक्ट, पुनर्निर्देश। जब कोई व्यक्ति अपना पता बदल देता है या किसी अन्य स्थान पर या शहर में चला जाता तो उसकी डाक पुराने पते पर ही आती रहती है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को अपना पता डाकघर में या अपने पड़ोसी या मित्र को देना चाहिए जो पुराने पते पर आने वाली डाक पर नया पता लिख दे ताकि उसे डाक मिल सके और उसे पुनर्निर्देश कर दिया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जगह छोड़ गया है, रहता नहीं है, उसने कमरा खाली कर दिया है, दूसरे एड्रेस पर चले गया है, तो उस पर क्या होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एड्रेस चेंज करवा दो, बता दो उनको कि हम यहाँ पर नहीं रहते, या फिर अपने पड़ोसियों को बता दो और उनसे उनको इतने ऑर्डर दे दो कि आप हमारी जो डाक आएगी, पोस्ट आएगी, आप उस पर एड्रेस चेंज कर उसको हमारे पोस्ट पर करवा देना नए एड्रेस पे। नेक्स्ट आता है डाकघर की बचत योजना। डाक विभाग की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। डाक विभाग द्वारा व्यापारिक जगत की सेवा को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही वह जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं, विनियोग की भावना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी रकमें एकत्रित होकर बहुत बड़ी राशि हो जाती है। जनता की सेवा, रोजगार की उपलब्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं निर्माण कार्य एवं योजनाओं में विनियोग की जाती है जिसका प्रभाव राष्ट्र की रक्षा और कल्याण पर पड़ा रहता है। अब यहाँ पर क्या रहता है, आपकी बहुत सारी पॉलिसी निकाली जाती है, ठीक है ना, सेविंग के लिए। आप छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जमा कर लास्ट में एक बड़ा अमाउंट रिसीव कर सकते होगे। यहाँ पर छोटी बचत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता कि हर महीने आपको 5000-10000 जमा कर, नहीं, आप छोटी बचत करके जाओ। आप डेली कलेक्शन पे भी कर सकते हो, आप 100 रुपये रोज जमा कर जाओ, ठीक है ना, आप महीने में 500 रुपये कर जाओ, 1000 रुपये कर जाओ, जैसे आपकी बने, आप उस हिसाब से छोटी छोटी पोस्ट करके यहाँ पर आप नई नई पॉलिसियों में योगदान पा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है टेलीकॉम।
संदेश वाहन का सबसे सशक्त माध्यम टेलीफोन या टेलीकॉम है। वर्तमान समय में दूर संचार के श्रेष्ठ में क्रांति आ चुकी। सरकारी संचार सेवाओं के अतिरिक्त निजी संचार सेवाएं भी व्यापक पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध करा रही है। स्थानीय स्तर से लेकर देश विदेशों तक आसानी से कुछ क्षणों में बात की जा सकती है। अब यहाँ पर टेलीफोन की बात कर रही है, ठीक है ना। टेलीफोन में आपको STDISD सारी पोर्टल होंगे, आप फ़ोन किसी को भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते होगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर ये क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है। फर्स्ट आता है सेल्युलर मोबाइल सर्विस, ये चलित टेलीफोन सुविधा है। ये मोबाइल आपके पास जो मोबाइल है उसी को बोलते हैंगे, एवं डाटा के माध्यम संदेश भी भेज सकते हैं। इसमें PCO सेवा भी सम्मिलित रहती है। देश अथवा विदेश किसी भी स्थान पर इससे संपर्क के जैसे आप मोबाइल से कभी भी किसी भी जगह किसी को भी कॉल कर सकते होगे, आप कभी भी किसी को कोई भी डाटा सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेडियो पेजिंग सेवा। रेडियो पेजिंग सेवा एक ऐसी टेलीफोन सेवा होती है जो किसी भी स्थान पर पेजर द्वारा संदेश भेजती है। आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, बट अगर पुराने जिन्होंने उनको पता है पेजर कैसा होता है, वास्तव में एक तरफा संदेश प्रसारण करने की सेवा होती है। इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। इसमें आवाज़ एवं संख्यात्मक माध्यम द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, ठीक है। आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड करके, ठीक है ना, या फिर न्यूमेरिकल तरीके से भी इसमें आवाज़ अपने सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड लाइन सर्विस, जो टेलीफोन लाइन होती है कि वो इस प्रकार की सेवा में आवाज़ एवं आवाज़ रहित संदेश भेजे जाते हैं। इसमें फाइबर से बनी केबल लाइन स्थापित की जाती है। इस केबल लाइन का प्रयोग टेलीकॉम के अन्य सेवाओं के लिए भी किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आ जाने के वर्तमान में इसका प्रयोग कम होने लगा है। इसमें व्यय भी अधिक होता है और रखरखाव का खर्चा। जो टेलीफोन लाइन होती थी इससे आप बहुत सारे काम भी हो सकते थे, बट पहले ये ज़्यादा चलन में थी, अब धीरे धीरे इसका चलन खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है केबल सर्विस। प्राय निजी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जिसमें सूचना एवं मनोरंजन के एक तरफा कार्यक्रम प्रसारित की जाते हैं। इसके लिए लाइसेंस आवश्यक होता है। अब नॉर्मल सी बात है, केबल सेवा आप लोग आपके घर में डिश से देख रहे हैं, DTH लगाएगा, आपको सारी जानकारी मिल रही है कि देश विदेश की, ठीक है, तो ये भी एक फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है वेरी स्मॉल एपर्चर सर्विस, VSAT सेवाएँ। यह एक सेटेलाइट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं। यह सेवा व्यापार एवं सरकारी एजेंसी को सूचना पहुँचाने वाली सेवाएँ होती। दुर्गम स्थान अथवा जहां आवागमन एवं स्थिर केबल सेवाएं नहीं होती, अथवा ग्रामीण सुदूर क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव होता है, उन क्षेत्रों के लिए सेवा प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसमें अध्यापन, बाजार भाव, ऑनलाइन समाचार आदि सुविधाएं, ऑनलाइन फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट आता है DTH या डायरेक्ट टू होम सेवा। इस प्रकार की सेवाएं प्राय निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें एक डिस्क होती है जो केबल नेटवर्क का प्रकार्य करती है। इसमें आवश्यक उपकरण लगाकर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा ये फैसिलिटी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आपको फैक्स, इंटरनेट और ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट आता है, सॉरी लास्ट नहीं, फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधनों से आशा उन समस्त साधनों से जो मनुष्य, माल एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन में भाड़ा लेकर आवागमन की सेवाएं एवं उसमें संबंधित सहायक सेवाएं सम्मिलित होती। परिवहन ही स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करता है। कच्चे माल का निर्माण हेतु कारखानों तक पहुँचाना और उत्पादित माल को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य परिवर्तन के द्वारा ही किया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली बात है, सभी को पता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए फैसिलिटी, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैंगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हम कह रहे थे नॉर्मली बात है कि बिजनेस हैगा, कोई सा भी सेक्टर हैगा, बिना ट्रांसपोर्टेशन के पॉसिबल नहीं हैगा। आप कोई सा भी काम करते हो तो बिना आवागमन कैसे होगा, ठीक है ना। आप माल मंगवाओगे कैसे अगर सुविधा ही नहीं होगी, आप माल पहुंचाओगे कैसे, ठीक है ना। अब नॉर्मल से एक ठेला, लोडिंग रिक्शा, ई रिक्शा, कोई सी भी आप ई रिक्शा मान लो, बड़ी गाड़ी मान लो आप, ठीक है ना, ट्रक मान लो, ट्राली मान लो, कोई सी भी जिससे आप माल आवागमन करवाते हो, माल मंगवाना और माल पहुंचाने की फैसिलिटी करवाते हो, वो सब किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। ट्रांसपोर्टेशन तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना, तीनों तरीके में। पहला जो आता है वो थल परिवहन होता है, जिसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो ज़मीन पर चलता है। इसमें तीन उपविभागों में वर्गीकृत किया गया, इसको भी तीन पार्टों में बनाया गया। पहला होता है रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, जिसमें मानव, पशु, पेट्रोल, डीजल व गैस संचालित वाहन आते हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गैस से चलने वाले वाहन, ठीक है ना, इंसानों द्वारा चलाने वाले वाहन, पशु, ठीक है ना, जानवरों से चलाना, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब इसमें शामिल हैंगे। नेक्स्ट आता है रेल ट्रांसपोर्ट, सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, ठीक है ना, दोनों आती है रेल में, आप बैठ के जाते हो, पैसेंजर वाली ट्रेन और माल वाली गाड़ी, दोनों इसमें शामिल हैंगे। नेक्स्ट आता है नल परिवहन, पाइप ट्रांसपोर्ट,
पानी व गैस का परिवहन, ठीक है ना। जो पानी आपके पास में पहुंचाया जाता है वो, और गैस आपके पास पहुंचाई जाती है वो, ये दोनों ट्रांसपोर्ट भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जल परिवहन, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है इंटरनल, इसमें नाव स्टीमर ये नॉर्मली आते हैं। आंतरिक जल परिवहन में मतलब ये बोल सकते हैं आप नॉर्मली छोटी मोटी जगह पर अगर जाते हो आते हो तो इसमें इसका यूज़ किया जाता आएगा, ठीक है ना। नाव स्टीमर इसमें प्रमुख साधन है। और समुद्री परिवहन, इसमें आपका जो साधन रहता है वो जहाज का रहता है, ठीक है ना। आप एक देश से दूसरे देश पर जाना लंबा पीरियड हो गया, ये दो पे। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें हवाई जहाज, एयर बस और हेलीकॉप्टर तीनों फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ नंबर का, वो है वेयर हाउसिंग। लास्ट पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग, भंडार या गोदाम। आजकल प्राय सभी वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को बड़ी मात्रा में माल का संग्रहण करना पड़ता। इसके लिए भंडार गृह वेयर हाउस का होना नितांत आवश्यक है। भंडार गृह, संग्रहालय या गोदाम व्यापार के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अब होता क्या है, विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का संग्रहण भंडार कहलाता है। इसमें संग्रहित वस्तुओं को क्षति ना पहुंचे इस उद्देश्य से विशेष व्यक्ति रखे जाते हैं जो वस्तुओं का समय समय पर निरीक्षण करते हैं और रासायनिक पदार्थों में दवाइयां इत्यादि छिड़कते हैं। सरकार द्वारा भंडार ग्रहों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से विशेष कानून बनाए गए। अब भंडार ग्रह यह होता कि आप जितना भी आपके पास में माल है, नॉर्मली बात है डेली अप डाउन हो रहा है, तो इसको रखने के लिए एक अच्छी फैसिलिटी होना, ठीक है ना, जहाँ पर आपका माल जो गुड्स है वो व्यवस्थित तरीके से रख सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नेसेसरी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेयर हाउस। अब वेयर हाउसिंग के लिए आपको ज़रूरी क्यों होगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है मौसमी उत्पादन, मतलब जो ये बोल सकते हैं समय समय पर उत्पादन होता है, जो आप बोल सकते हैं नेचर के हिसाब से, गर्मी का माल है गर्मी में ही बन सकता है, बारिश का माल बारिश में, और या फिर बोल सकते हैं ठंड का ठंड में। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन किसी खास मौसम में होता है लेकिन उनका उपयोग वर्ष भर होता है। ऐसी वस्तुओं के संग्रहण के लिए भंडार गृह का, जैसे गेहूं, चावल, दाल, दालें आदि, ठीक है ना। गेहूं होता है वो साल में एक ही बार आता है लेकिन चलाना हमें पूरे साल पड़ता है। दालें होंगी, चावल होगा, ये भी एक टाइम पीरियड में आते हैं जिनको हमें यूज़ पूरे साल करना पड़ता, तो इनको क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस में आपको स्टोर करके रखना पड़ता। नेक्स्ट आता है मौसमी मांग। कुछ वस्तुओं की मांग किसी खास मौसम में होती है, ठीक है ना, जैसे ऊनी कपड़े, पंखे, कूलर आदि, इनका उपयोग उत्पादन की मांग की पूर्ति है तो वर्ष भर करना पड़ता है। नॉर्मली बात है कूलर पंखे होंगे सिर्फ गर्मी और ठंड, गर्मी के टाइम पर ही बिकते हैंगे, ठीक है। बट ऐसा तो है ही नहीं कि पूरी यूनिट उसी समय में बनाएगी, नहीं, ये पूरे साल बनाते हैंगे और लास्ट में इसको स्टोर करके रखते जाते हैं और जब बेचने का टाइम आता निकाल दे। ऊनी कपड़े हेंगे पूरे साल बनाए जाते हैंगे और जब इनका बेचने का टाइम आता है इन्हें बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट आता है मांग एवं पूर्ति में संतुलन। मांग एवं पूर्ति के संतुलन बनाए रखने के लिए संग्रह भी आवश्यक होता है। इसमें मूल्यों में स्थिरता रहती है और उपभोक्ताओं का शोषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब प्राइस कम होता है तो माल का भंडार, ये बोल सकते हैं कि मालों को भैया संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के, ठीक है। आप माल बना रहे हो, उसको स्टोर करके रख रहे हो और उसको समय समय पर आप बेचते जा रहे होगे, तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। अब पता चला माल खत्म हो गया, बनते जा रहा बिकते जा रहा, बनते जा रहा बिकते जा रहा है, अब आपके पास में स्टोर। और कभी ऐसा हुआ कि आपकी यूनिट बनाने वाली बंद हो गई तो आप बेचोगे क्या, यूनिट बनाने वाली बंद हो गई तो बेचोगे क्या, किसी का लाइट नहीं है कि मशीन ख़राब हो गई, अब बेचना क्या है आपको, तो डेली रूटीन है कि आपको इतना देना है, कम से कम स्टोर करके चलो ना कि मशीन ख़राब हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको फेस कर सको। नेक्स्ट आता है वस्तु के गुण। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनको जितने अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है उतने ही उनकी गुण में वृद्धि होती है, जैसे चावल, ठीक है ना। चावल को आप जितने सालों तक उसको रखते जाओगे उतने ही ज़्यादा वो अच्छा होता है, जितना पुराना चावल होता है उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बनता है। नेक्स्ट आता है परिवहन में बचत। कम मात्रा में माल भेजने पर परिवहन व्यय अधिक पड़ता है जबकि अधिक माल भेजने पर कम, ठीक है ना। अब नॉर्मली बात है आप एक कम कम थोड़ा थोड़ा माल डेली पहुंचाओगे तो उसमें आपको डेली भाड़ा देना, पर इकट्ठे एक बार में माल पहुंचा दोगे, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आप अगर छोटे रिक्शे में भर के माल पहुंचाते हो रोज़ आपको 500 रुपये किराया देना पड़ता, बट अगर आप एक ही बार में ट्रक में भर के पहुंचाओगे और आप उसको 2000 रुपये दे रहे होगे तो आपको फ़ायदा ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होगा। अब टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आते हैं, यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैंगे, तीन टाइप्स होते हैंगे वेयर हाउस के। पहला होता है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, मालिक के आधार पर, निजी भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, सहकारी भंडार गृह और सार्वजनिक। दूसरा होता है वस्तु के आधार पर, ठीक है ना, जैसे तंबाकू भंडार गृह, कॉफी भंडार गृह, चाय भंडार गृह, रुई भंडार गृह, ऊन भंडार।
मालिक के हिसाब से होता है, इसके टाइप्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। और जो वस्तु के हिसाब से होता है, वस्तु के हिसाब से क्या रहता है, जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं ये उस तरीके से जिस हिसाब से सामान रखा जाता है, जैसे नॉर्मली बात है कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, जैसे कोई चीज़ें ऐसी रहती है जो पूरा साल ठंडी जगह पर रखी जाती है, ठीक है ना, घर में कितनी भी पड़े कोल्ड स्टोरेज में ठंडी जगह पर वो चीज़ रखनी तो ख़राब हो जाए, तो उससे अलग अलग है। नेक्स्ट आता है अन्य के अंतर्गत, दूसरे आते हैं जैसे दिया है शीतक भंडार गृह, रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस, और दूसरा आता है बंधक भंडार गृह, बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है पहला निजी भंडार गृह, प्राइवेट वेयर हाउस। वे भंडार गृह जो निजी व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा अपने माल के रखने के लिए बनाए जाते हैं, निजी भंडार गृह कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे वेयर हाउस जो खुद के लिए बनाए गए हैं, खुद का यूज़ करने के लिए, खुद के माल रखने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, प्राइवेट वेयर हाउस। नेक्स्ट आता है पब्लिक वेयर हाउस। ये भंडार गृह बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं, इनमें साधारणतः जनता के द्वारा माल या पदार्थ रखे जाते हैं। इन भंडार गृहों में राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है, इसका स्वामित्व निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक कंपनी के रूप में हो सकता है। पब्लिक वेयर हाउस आते हैं, ये सभी के लिए यूज़ में आते हैं। ये आप नॉर्मली बात है कोई भी जाकर उसमें अपना गोडाउन में माल रख सकता है, उसके बदले आपको एक शुल्क पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये भंडार गृह सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद आदि के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये भंडार गृह भी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें केवल सरकारी पदार्थ ही रखे जा सकते हैं, और दूसरा जिसमें जनता के माल भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बंधक भंडार गृह, बॉन्डेड वेयर हाउस। वे भंडार गृह जो सरकार को उनके यहाँ भंडार में रखे माल पर आबकारी, एक्साइज ड्यूटी, आयात कर, इम्पोर्ट देने का बॉन्ड भरते बंधक भंडार गृह कहे जाते हैं। जैसे विदेश से माल आता है तो उस पर इम्पोर्ट टैक्स लिया जाता है, शराब वगैरह रहती है उस पर एक्साइज ड्यूटी, तो इनके जो वेयर हाउस रहते हैं उसे बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस। इस प्रकार के भंडारों में इच्छा अनुसार तापमान रखने के लिए मशीनें लगी होती है। इन भंडार गृहों में वे पदार्थ रखे जाते हैं जिनको यदि साधारणतः तापमान में रखा जाता है तो वे जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फल, मक्खन, अंडे व तिरकारी आदि। यह भंडार गृह निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भंडार में इस प्रकार के भंडार गृहों की तुलनात्मक के रूप में होता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।